नमस्कार, हेलो फ्रेंड्स, घर का खाने से हजार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि गेहूं के आटे से हम क्या क्या बना सकते हैं? ऐसा लगता है ना जैसे कि गेहूं के आटे से सिर्फ रोटी बनाई जा सकती है या फिर कोई पराठा बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। गेहूं के आटे से बहुत ज़्यादा टेस्टी हेल्दी रेसिपीज़ बनाई जाती हैं। इनमें से एक रेसिपी तो हमने आपके साथ शेयर की हुई, वो है गेहूं के आटे के नमक पारे। और अगर आप वो रेसिपी जानना चाहते हैं तो आप एंड स्क्रीन में आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, उसका लिंक हमने दिया हुआ है, या हमारे चैनल में जाके भी आप देख सकते हैं। तो आज हम बना रहे हैं गेहूं के आटे से बने बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी हेल्दी नाश्ता, जो कि आपको बहुत पसंद आएगा। आप इसे बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं, आप इसे सुबह शाम के नाश्ते में बना सकते हैं, या फिर मेहमान आ जाए तभी बना सकते हैं। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने लिए 4 उबले हुए आलू, हमने पहले से उबाल के रखे हुए हैं, और साथ ही हमने लिए फ्रोजन मटर। ये पहले से उबले हुए होते हैं तो इसे उबालने की जरूरत नहीं है, हमने अच्छे से धो लिया है। आप चाहे तो ताज़े मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हमने लिए यहाँ पर पनीर, करीब ये 150 ग्राम पनीर है। तो अब हम सबसे पहले आलू को कद्दूकस यानी कि ग्रेट कर लेंगे। आप आलू को मैश भी कर सकते हैं। तो आलू को कद्दूकस हमने कर लिया है, और साथ ही हमने मटर को भी मिक्सी जार में पीस लिया है हल्का दरदरा, और साथ ही हमने पनीर को भी क्रम्बल कर लिया है हाथ से। तो अब हम इसमें जो भी मसाले मिलाएंगे एंड में मिलाएंगे, वरना ये गीला हो जाएगा। तो अब हम क्या करें, हम सबसे पहले क्या करते हैं, आटे को गूंथ लेते हैं। इसके लिए मैंने लिए 11 बर्तन और डाल दिया इसमें आटा, करीब 200 ग्राम आटा है ये। इसको हम सबसे पहले छान लेंगे। आप इसकी जगह मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैदा आपने भी सुना होगा मैदा अच्छा नहीं होता। इसकी बनी हुई कोई भी चीज़ अगर हम खाते हैं तो ये पेट की आंतरी में चिपक जाता है, फिर बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो इससे अवॉइड करें। और बच्चों को तो खास करके ना दें, कभी कभार तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन डेली इसको खाने की आदत ना बने। इसके बदले आप गेहूं का आटा या मल्टीग्रेन आटा ले सकते हैं। इससे बने हुए नाश्ते हेल्दी भी होते हैं और टेस्टी भी होते हैं। तो अब हम इसमें मिला रहे हैं थोड़ा सा चावल का आटा। इससे क्या होगा कि ये बहुत क्रिस्पी बनेंगे। तो हमने इसमें चावल का आटा मिला दिया, आप इसमें थोड़ा सा सूजी भी मिला सकते हैं इसके बदले। तो अब हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा अजवाइन, इसको हम हाथ से क्रश कर लेंगे, और अजवाइन हम इसमें मिला देंगे, ये डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। साथ ही हम इसमें मिला देंगे थोड़ा सा तेल, करीब हम इसमें अभी 4 चम्मच करीब तेल मिला रहे हैं। पहले देख लेते हैं कि तेल अगर ठीक बैठेगा तो ठीक है, अदरवाइज़ हम इसमें थोड़ा सा तेल और मिला लेंगे। तो अब हम इसमें तेल को मिलाने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल रहे हैं। तो अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं, और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम आटे को हाथ में लेके देखेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल ही ये आटा हाथ में बन नहीं रहा, तो इसमें थोड़ा सा तेल और जाएगा। तो डाल देते हैं थोड़ा सा तेल, 3 से 4 चम्मच करीब इसमें तेल डाल देंगे। तेल इसलिए हम डालते हैं इसमें, ये खस्ते बनते, तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अच्छे से, इसके बाद हम हाथ में फिर से आटे को पकड़ कर देखेंगे। तो देखिए आटा हमारे हाथ में बंध रहा है, बस इतना हमारे हाथ में आटा बंधना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा बंधेगा तो ये और ज़्यादा खस्ते बन जाएंगे। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको, एक आटा जैसे हम रोटी बनाते हैं गूंथते हैं ना, तो उतना ही टाइट हमें आटा चाहिए। तो हम इसे अच्छे से गूंथ लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे आटे को गूंथ लिया है अच्छे से, बहुत ही अच्छा चिकना और थोड़ा सा टाइट आटा गूंथ कर मैं तैयार कर ले। तो इसे हम इसे ढक कर साइड में रख देंगे, जब तक आटा सेट हो रहा है तब तक हम यहाँ पर ले लेंगे इस तरह से एक गहरा बर्तन, और डाल देंगे इसमें हम ये उबला हुआ कद्दूकस किया हुआ आलू, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे ये हल्का ददरा पिसा हुआ मटर, और थोड़ा सा क्रम्बल किया हुआ पनीर भी हम इसमें डाल देंगे। और साथ में हम इसमें डाल दिए हरी मिर्च बारीक कटी, 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी ली है, और साथ में हम इसमें डाल दिया थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया, थोड़ा सा तो नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा ही हमने हरा धनिया डाला है, क्योंकि हरा धनिया डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, दिखने में भी अच्छा लगता है। साथ में इसमें डाल दिए 1 चम्मच करीब नमक, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स डाले, मिर्च आप अवॉइड कर सकते हैं बच्चों के लिए बना रहे हैं तो, और थोड़ा सा हम इसमें डाल दिया काली मिर्च पाउडर, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और साथ हम इसमें डाल दिया भुना हुआ जीरा पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, और अब इसमें डालें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और अब हम इसे हाथ से अच्छे से मिक्स कर देंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसे ढक के साइड में रख देंगे, और यहाँ पर हम ले लेंगे एक पैन, आप कढ़ाई भी ले सकते हैं, डाल देंगे इसमें थोड़ा सा तेल तलने के लिए, और तेल को हम हल्की आंच पर गर्म करने के लिए छोड़ देंगे। जब तक तेल हमारा गर्म हो रहा है तब तक हम यहाँ पर हमारा जो आटा है ये भी सेट हो चुका है, और इसको हम थोड़ा सा हम हाथ में तेल ले लेंगे और इसको थोड़ा सा एक बार से हाथ से मसल लेंगे अच्छे से। और अब इसमें से थोड़ा सा गूंथा हुआ आटा ले लेंगे, जितना हम रोटी के लिए लेते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा आटा हम अपने हाथ में लेंगे, और इस तरीके से लोई बना लेंगे। और अब हम इसे अच्छे से बेल लेंगे, बिल्कुल पतला बेलेंगे हम, जैसे रोटी बनाते हैं बेलते हैं वैसे ही बेलना है, बस इसे थोड़ा सा हम पतला बेलेंगे। और अगर ये आपसे इस तरह से ढंग से बिले ना, तो आप क्या करें थोड़ा सा सूखा आटा भी ले सकते हैं। और इसको बेलने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच करीब हम इसमें स्टफिंग डाल देंगे,
और इसको इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे पूरा, मतलब अच्छे से स्प्रेड कर देंगे ये जो कॉर्नर्स हैं इसके चारों तरफ के, उस साइड से हम थोड़ा छोड़ देंगे ताकि हमारा जब इसको रोल करें तो ये चिपक जाए, इसको चिपकाने कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरीके से हम इसको रोल कर लेंगे, थोड़ा सा हम इसे दबा देंगे इस तरीके से हाथ से, और इस तरह से एक रोल बना देंगे। और अब हम इसे थोड़ा सा हाथ से इस तरह से घुमाते फ्लैट कर लेंगे इसको, ताकि जो आटा वो अच्छे से चिपक जाए और इसके अंदर की जो स्टफिंग है वो बिल्कुल भी बाहर ना आए तलते वक्त। साइड के जो कॉर्नर्स है उसको हम इस तरह से कट कर लेंगे क्योंकि इसके अंदर स्टफिंग नहीं है। और अब हम इसे आधे या 1 इंच की दूरी में हम इसको कट कर लेंगे इस तरह से, बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं कट करना है वरना बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बनेंगे। तो इस तरीके से और दिखेगा ये, और इसको थोड़ा सा हाथ से हम फ्लैट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से पिनव्हील बनाकर हम तैयार कर लेंगे। और एक तरीका ये भी है, इस तरीके से आप लोई बना के बेल लें पहले, और अब हम इसमें लगा देंगे सॉस। कोई भी सॉस आप लगा सकते हैं, इमली की सॉस भी लगा सकते हैं, यही हम टोमेटो सॉस इसमें लगा रहे हैं। और अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच करीबी है स्टफिंग, इसको इससे से स्प्रेड कर देंगे, हाथ से स्प्रेड कर लेते हैं, चम्मच से करेंगे तो थोड़ा इधर उधर खिसकेगा ये, तो हाथ से हम इसको इस तरीके से फैला लेंगे। और इसको अब हम इसी सेम उसी तरीके से इसको हम रोल कर लेंगे इसे से घुमाते हुए हम। इसका हमने रोल बना लिया ये इस तरीके से, और अब इसे हम इस तरह से घुमाते हुए हाथ से थोड़ा सा इस तरह से रोल करते हुए इसे हम थोड़ा सा और लंबा कर देंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए आटा। और साइड से कॉर्नर को कट कर लेंगे, साइड में रख देंगे इसको, और 1 इंच की दूरी में हम इसको इस तरीके से कट कर लेंगे। इसे से हम दबा देंगे इसको, तो ये पिनव्हील्स हमारे इसी तरीके से सारे पिनव्हील्स बना के हम तैयार कर लेंगे। तो जैसा आपको सही लगे सॉस लगा के या बिना सॉस के, उस तरीके से आप इसे इन पिनव्हील्स को तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने पिनव्हील्स बना के तैयार कर लिए, ये रेडी हैं तलने के लिए, तो अब हम इसे तल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो तेल है वो गर्म हो चुका है, तो देख लेते हैं जो तेल है हमारा परफेक्ट गर्म हुआ है नहीं, इसके लिए हमने ये आटे का छोटा सा टुकड़ा इसमें डाल दिया है। तो ये देखिए बहुत ही आराम से सिक रहा है धीरे धीरे, तो इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट गर्म है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो तेल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा गर्म तेल में हमने इनको तल दिया तो ये बाहर से तो एकदम से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, तो इस बात का हम ध्यान रखना है। तो अब हम इसमें एक एक करके सारे पिनव्हील्स इसमें डाल देंगे, और हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम में ही पकाएंगे, क्योंकि जितना ये धीरे धीरे आराम से पकेगा उतना अच्छा ही क्रिस्पी और खस्ता बनेगा, और अंदर से सारी स्टफिंग भी अच्छे से कुक हो जाएगी। और थोड़ा सा पेशेंस हमें इसमें चाहिए, थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। तो अब हम इसे थोड़ा सा सिकने देंगे नीचे से, बीच बीच में चेक करते रहेंगे, जैसे हमें लगे कि नीचे से सिकना शुरू हो गया है, हल्का सा सिक चुका है, तो हम इसे पलट देंगे। तो हम पैन को इस तरह से थोड़ा सा हिला देते हैं तेल को, ताकि चारों तरफ से पिनव्हील्स में तेल कोट हो जाए और ऊपर नीचे से अच्छे से सिक जाए। तो ये लग रहा है हमें थोड़ा सा सिक गया है नीचे से, तो अब हम इसे पलट देंगे। तो इसी तरह से हम उलट पलट के इसको चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे अच्छे से। तो अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इसे हम निकाल लेते हैं, प्लेट में रख देंगे इसको, और सेम इसी तरीके से हम बाकी के पिनव्हील्स भी तल कर तैयार कर लेंगे। तो ये भी हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए, इसको भी हम निकाल लेते हैं। देखिए कितने सुनहरे, कितने खस्ता लग रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी लग रहे हैं, इसे भी हम प्लेट में रख लेते हैं। बनकर तैयार है गेहूं से बना समोसे पिनव्हील्स, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुनहरा कलर आया है इसका, क्योंकि हमने इसे मीडियम टू लो फ्लेम में पकाया है, तो इसलिए इसका इतना सुंदर सुनहरा कलर आया है, दिखने में बहुत ज़्यादा यमी लग रहा है और बहुत ज़्यादा खस्ते बने हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बने हैं। आप देख भी रहे होंगे कि अंदर से बाहर से अच्छे से पक गए हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। आप इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपसे ये कैसे बने, कैसे लगे आपको। आप इसे चाय के साथ या किसी भी सॉस के साथ ले सकते हो, या फिर ऐसे भी आप खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो अगर आपको रेसिपी आगे पसंद, वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई रेसिपी के साथ। तो घर का खाइए, सेहत बनाइए और हमेशा फिट रहिए। नमस्कार, टेक केयर एंड बाय बाय।